नमस्कार दर्शकों, दर्शकों त्योहार आते हैं और खुशियाँ लाते हैं। गर्मी के त्योहार हो या सर्दी के, सभी त्योहारों का अपना अलग ही मजा है। हर धर्म के अपने अपने त्योहार हैं, परंतु सभी धर्मों के लोग सभी त्योहारों को हर्ष और उल्लास के साथ आपस में मिलकर मनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्रिसमस डे के बारे में बताएंगे। क्रिसमस डे क्यों मनाया जाता है और क्रिसमस दिवस मनाने का आखिर क्या इतिहास है, इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है और क्रिसमस मनाने से क्या लाभ होते हैं, ईसा मसीहा जी के हमारे लिए क्या आदेश व निर्देश थे और ईसा मसीहा जी किसकी भक्ति करते थे, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप जी को इस वीडियो में जरूर मिलेंगे और इसीलिए अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्रिसमस दिवस क्यों व कैसे मनाया जाता है। दर्शकों, हर साल 25 दिसंबर को ईसा अर्थात यीशु मसीहा के जन्मदिन के रूप में क्रिसमस डे मनाया जाता है। यह खास त्योहार पूरे विश्व के सभी धर्मों के लोग बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। विद्यालयों में भी इस त्योहार पर बच्चों को सांता क्लॉस की पोशाक पहने व टॉफियां बांटते देखा जा सकता है और इस दिन लोग पार्टी करते हैं और अपने रिश्तेदारों व दोस्तों को तोहफे देते हैं। इस दिन लोग अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं और खास भोजन भी बनाते हैं। ये त्योहार बच्चों से बड़ों तक सभी लोग बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। आगे आपको बताते हैं कि क्रिसमस दिवस मनाने से क्या लाभ होते हैं। दर्शकों, क्रिसमस डे हजरत ईसा मसीहा के जन्मदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है और ईसा मसीहा के आदेश व निर्देशों की याद बनाए रखने के लिए लोग इस दिन को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ईसा मसीहा जी की दी गई शिक्षा पर बहुत ही कम लोग चलते हैं। इसी तरह ईसाई समाज भी ईसा मसीहा जी के निर्देश व पवित्र बाइबल में लिखे गए भगवान के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए क्रिसमस दिवस मनाते हैं। ये बात प्रमाणित है कि ईसा मसीहा जी ने कभी भी अपना जन्मदिन मनाने को नहीं कहा था और न ही पवित्र बाइबल या अन्य किसी सदग्रंथों में क्रिसमस डे मनाने का विधान लिखा है। तो इसी से स्पष्ट होता है कि पवित्र ग्रंथों में लिखे आदेशों को नजरअंदाज करके क्रिसमस का त्योहार मनाना शास्त्र विरुद्ध व मनमाना आचरण है। अर्थात इस त्योहार को मनाने से कोई भी लाभ नहीं मिल सकता। यह त्योहार मनाना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ साधना के अंतर्गत आता है, जिससे जीवन में व भक्ति मार्ग में कोई लाभ नहीं हो सकता। इस तरह शास्त्रों के विरुद्ध जाकर साधना करना हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। अतः हमें पवित्र बाइबल के दिए गए पूर्ण परमात्मा के आदेशों का पालन करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी हमें सर्व सुख व सर्व लाभ प्राप्त होंगे। तो चलिए अब आपको बताते हैं ईसा मसीहा जी की जीवनी की एक झलक। ईसा मसीहा जी की जीवनी से सभी बहुत अच्छे से परिचित हैं कि उन्हें अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ा। जब ईसा जी को पूर्ण परमात्मा मिले थे, उसके बाद से ईसा जी एक ईश्वर की भक्ति समझाने लगे, जिस कारण बहुत से लोग उनके विरोधी हो गए और वे विचलित हो गए और परमात्मा द्वारा बताई भक्ति नहीं की। हजरत ईसा जी की मृत्यु 30 वर्ष की आयु में हुई, जो पूर्व निर्धारित थी, और ईसा जी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने 12 शिष्यों को बता दिया था कि मेरी मृत्यु होने वाली है और तुम में से ही कोई एक मुझे विरोधियों के हवाले कर देगा, और ऐसा ही हुआ। उनके एक खास शिष्य ने 30 रुपए के लालच में हजरत ईसा जी को विरोधियों को पकड़वा दिया और उन्हें शुक्रवार के दिन सलीब मौत के साथ अर्थात प्लस के आकार की लकड़ी पर लिटाकर उनके हाथों व पैरों में मोटी कीले गाड़ दी गई और बहुत ही ज्यादा पीड़ा से ईसा जी की मृत्यु हुई। इससे ये भी समझा जा सकता है कि ईसा मसीहा जी की भक्ति साधना सही ना होने के कारण उनका जीवन इतना कष्टदायक रहा और अंत भी बहुत दर्दनाक हुआ। हजरत यीशु पाप नाश नहीं कर सकते। ईसा मसीहा जी को मानने वाले इस बात से अवगत हो जाएं कि ईसा मसीहा जी पाप नाश नहीं कर सकते, वे पूर्ण परमात्मा नहीं थे। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाणित एक वृत्तांत बताते हैं, जिससे ईसाई धर्म के अधिकतर लोग बखूबी परिचित हैं। पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि एक व्यक्ति जन्म से अंधा था और वो ईसा मसीहा जी के पास आता है और ईसा जी के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की आँखें ठीक हो जाती है। तब ईसा जी के शिष्यों ने उनसे पूछा कि इस व्यक्ति व इसके माता पिता का क्या पाप था जिस कारण से ये अंधा हुआ।
तब ईसा मसीहा जी ने कहा कि इसका कोई पाप नहीं था, यह इसीलिए अंधा हुआ क्योंकि परमेश्वर की महिमा प्रकट करनी थी, अर्थात यदि उसका पाप होता तो हजरत ईसा जी उसकी आंखें ठीक नहीं कर सकते थे। यह सब पहले से ही 21 ब्रह्मांड के मालिक काल ब्रह्म द्वारा सुनियोजित था, जिसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता था। इससे स्पष्ट होता है कि हजरत ईसा जी पाप नाश नहीं कर सकते थे, वे काल द्वारा भेजे गए अवतारों में से एक थे, वे पूर्ण परमात्मा नहीं थे। तो चलिए अब जानते हैं सद्भक्ति क्या है। हजरत ईसा जी की भक्ति शास्त्र अनुकूल न होने से व्यर्थ साधना थी, जिस कारण उन्हें अपने जीवन में बहुत दर्दनाक कष्ट उठाने पड़े। दर्शकों, अब हम आपको सद्भक्ति से परिचित करवाते हैं कि सद्भक्ति व सही साधना आखिर क्या होती है। वास्तव में सद्भक्ति व सत्य साधना वही है जो हमारे धार्मिक शास्त्र बताते हैं। जैसे गीता जी के अध्याय 17 श्लोक 23 में पूर्ण परमात्मा की भक्ति के मंत्र बताए गए हैं। ये मंत्र सद्भक्ति मंत्र हैं, जिन्हें पूर्ण गुरु की शरण में आकर जाप करने से सर्व लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। संसारिक सुख सुविधाओं के साथ साथ इन सद्भक्ति मंत्रों से जन्म और मृत्यु के भयंकर रोग से भी छुटकारा पाया जा सकता है। गीता जी में ये मंत्र सांकेतिक रूप में बताए गए हैं, केवल अधिकारी सद्गुरु ही इन मंत्रों का भेद खोल सकता है। दर्शकों, वर्तमान में केवल एक महान संत है जो सद्भक्ति प्रदान करते हैं और मोक्ष देने की गारंटी भी देते हैं। वो महान संत जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी जो मंत्र देते हैं, वो केवल गीता जी ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के सद्ग्रंथों में प्रमाणित मंत्र हैं, जिनका सद्गुरु की शरण में आकर सही विधि से जाप करने से पूर्ण मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अतः आप सभी से प्रार्थना है कि पूर्ण सद्गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर सही भक्ति विधि प्राप्त करें और जन्म मृत्यु के भयंकर रोग से छुटकारा पाएं और परमात्मा की भक्ति करें। धन्यवाद।